दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस सेशन पे। और आज अपन बात करने वाले हैं कि राजस्थान पीटीटी एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है आपको किस प्रकार से चेक करना है। जैसा कि आपको पता है कि 4 इयर्स वाला डिग्री का जो कोर्स था वो जारी हो चुका है, ठीक है। और अब जो 2 इयर्स का जो रिज़ल्ट है वो बचा हुआ है, तो आपको उसको रिज़ल्ट उसको किस प्रकार से चेक करना है तो अपन 1 बाय 1 पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने लाते रहते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट rkla.in पर आपको आना होगा। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप क्रोम ब्राउजर के अंदर आने के बाद जस्ट rkla.in सर्च भी कर सकते हैं। और आप जैसे ही rkla.in सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे राजस्थान पीटीटी एग्ज़ाम का रिजल्ट का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप BSTC के एग्ज़ाम का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके देख भी सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके रिजल्ट से रिलेटेड और टाइम टेबल और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब बात करें राजस्थान पीटीटी एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में, तो जस्ट आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का नया इंटरफेस खुल जाएगा। अब जस्ट आपको नीचे आना है, तो जैसे आप नीचे आएंगे तो आपके सामने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कि जैसा आपको पता है भी कि PTT 4 इयर्स बीएड का रिजल्ट है वो 4 अक्टूबर को जारी कर दिया गया था, लेकिन जो 2 इयर्स का डिग्री का कोर्स है वो आपको अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो आज जो है रिजल्ट आपको किस प्रकार से चेक करना है, ठीक है, और अपन पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और करना कुछ भी नहीं है, आपको जस्ट नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो आपके सामने PTT एग्ज़ाम का रिजल्ट चेक करने का जो है डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये देखिए, आपको सामने एक ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाती है। जस्ट आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक वाले चेक पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस चेक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जो है PTT की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है। अब अगर आप 4 इयर्स वाला डिग्री का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, BA BEd फिर BSc BEd का, तो आप जस्ट इस वाले लिंक पर क्लिक करके जो है डायरेक्ट रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं PTT के 2 इयर्स वाले कोर्स का जो रिजल्ट है वो जारी हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हो भी चुका है तो आपको रिजल्ट किस प्रकार से चेक करना है। और तो यहाँ पे अपन देखते हैं, तो रिजल्ट को लेकर अभी तक इन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन जो रिजल्ट है आपको शाम को 4 या 3 बजे तक मिल जाएगा, आज की सूचना बताई जा रही है। और रिजल्ट आपको किस प्रकार से चेक करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। जस्ट रिजल्ट जारी होने के बाद आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, जस्ट आपको उस लिंक पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ नया इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। जैसे आप उस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक लिंक मिलेगा आपको, जस्ट उस पर आपको लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का खुलेगा वो नया इंटरफेस, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो आपको वो 2 ऑप्शन मांगेगा, या तो आप अपने रोल नंबर से जो है रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपना रोल नंबर याद नहीं है तो आप उसमें के अंदर जो है अपना नेम और मदर्स नेम और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल करके आप जो है अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी रिजल्ट चेक करने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। रिजल्ट जो है आपको शाम तक 4 बजे मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही रिजल्ट जारी होगा या फिर रिजल्ट को लेकर कोई भी न्यूज़ निकल के आएगी तो हम आपके सामने इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन आज जो है 95% चांस यही बताया जा रहा है कि रिजल्ट जो है आपको शाम को 4 बजे तक जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि कल तो था संडे। संडे को जो है रिजल्ट जारी नहीं होने के कारण, सॉरी कल था मंडे, ठीक है। मंडे को रिजल्ट जारी ना होने के कारण जो है आपकी काफ़ी सारी परेशानी हो रही है। लेकिन आज जो बताया जा रहा है उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि आपको जो शाम को 4 बजे तक जो है रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। और रिजल्ट को लेकर अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। आपको जैसा कि पता है कि 4 इयर्स का जो रिजल्ट था BSc BEd BA BEd का जो रिजल्ट आया था उसको भी डायरेक्ट जारी कर दिया गया था, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया गया था। लेकिन जो BSTC का जो रिजल्ट आया था उसके अंदर गोविंद सिंह डोटासरा के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया गया था कि शाम को 4 बजे आपका जो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो BEd की अगर मैं बात करूँ तो BEd के रिजल्ट को लेकर अब मेरे हिसाब से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, डायरेक्ट जो रिजल्ट जारी किया जाता है। तो रिजल्ट जो आपको शाम को 4 बजे तक मिल जाएगा, अगर आपको शाम को 4 बजे तक रिजल्ट नहीं मिलता है तो कल की आशंका जताई जा रही है कि कल जो आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट आपको किस प्रकार से चेक करना है वो मैंने आपको बता दिया है। आपको अपना रोल नंबर लिखना है, एक पहला प्रोसेस तो ये है। अगर आपको रोल नंबर याद नहीं है तो आप सेकंड प्रोसेस के अंदर अपना नाम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ लिख के आप जो है अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को देख सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।